डिस्क्लेमर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ EMA 5 स्ट्रेटजी। पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में आज बात की जाएगी और आपको समझाया जाएगा कि कैसे हम किसी भी स्टॉक के ऊपर इस स्ट्रेटजी के बेस पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि EMA स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है, यह हमने आपको पीछे वाली दो वीडियोज़ में बता दिया है जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी। उन पे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपको यह स्ट्रेटजी पसंद आ रही है। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि यह स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर टारगेट बहुत बड़े हैं और स्टॉप लॉस हमारे नाम मात्र के स्टॉप लॉस हैं, कह सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे हैं। तो दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे वीकली चार्ट मैं लगा चुका हूँ और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के सिग्नल बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ EMA को ट्रैक करते हुए। EMA हम यहाँ पे 5 का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लेंथ यहाँ पे 5 रखेंगे। स्टाइल के अंदर हमारा जो थिकनेस है वो मैंने डबल कर दिया है और इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पे मैंने मारुति का चार्ट लिया है, आप इसके अंदर कोई भी स्टॉक का चार्ट लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के अंदर यह स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ बाइंग के सिग्नल देखने हैं, हमें सेलिंग का कोई मतलब नहीं है। सेलिंग का सिग्नल इसके अंदर अवॉइड किया जाएगा। यहाँ पे हमें अबेंडन कैंडल देख के और उसके ऊपर क्लोजिंग के बेस पे बाइंग बनानी होती है। अब आपको समझा देता हूँ कि अबेंडन कैंडल क्या होती है। तो दोस्तों, आपने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उनको देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अबेंडन कैंडल कौन सी होती हैं। अबेंडन कैंडल वह कैंडल्स होती हैं जिनके अंदर जो EMA 5 टच नहीं करता। अब EMA 5 हमारा ये वाला लाइन है, ये जो जा रहा है ब्लैक कलर का लाइन, ये हमारा EMA 5 का लाइन है। EMA 5 से जो कैंडल दूरी पे बनी होती है और उसके नीचे क्लोज कर देती है वह हमारी इसके अंदर अबेंडन कैंडल मानी जाती है। अबेंडन कैंडल आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इसके ऊपर अब ट्रेड कैसे बनाएंगे। अब हमारी दो अबेंडन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही हैं और इसके अंदर ट्रेड करने का एक तरीका होता है। वह तरीका होता है कि जैसे ही अबेंडन कैंडल के बाद में आने वाली कैंडल उस अबेंडन कैंडल का हाई कट करके एक क्लोजिंग दे देती है अपसाइड में, वहां पे हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इस इन्वेस्टमेंट के अंदर एंट्री हो जाती है। हमारा स्टॉप लॉस रहता है जो अबेंडन कैंडल होती है उसको मिला के जो 5 कैंडल बनती हैं उससे पहले, उनके अंदर सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट की बात की जाए तो टारगेट हमारा निकल के आता है जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4 का बनता है। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अराउंड 4 का बन रहा है, 4 के आसपास का हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4 का बन चुका है। यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। इस कैंडल के मिड के अंदर हमारा यहाँ पे टारगेट आ चुका है, यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेड के अंदर आपको स्टॉप लॉस मिला 395 पॉइंट्स का, लेकिन आपको टारगेट मिला है 1580 पॉइंट का। तो इतना बड़ा टारगेट आपको सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में मिल गया आप चेक कीजिए। 27 मार्च 2023 को आपको इस ट्रेड के अंदर एंट्री मिली थी और एग्जिट इसने करवा दिया आपको 28 अगस्त को। मार्च से लेके अगस्त तक दोस्तों 5 या 6 महीने का टाइम है। इसके अंदर आपको यह स्ट्रेटजी एग्जिट करवा चुकी है और आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर 4.4 का मिल चुका है और टारगेट आपका एक बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल चुका है। करीब इसने 18% इंक्रीमेंट दिया है जहाँ से आपने बाइंग किया है। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा ट्रेड था और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ EMA को देख के ट्रेड लेनी है और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होता है, उसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना। तो दोस्तों,
इसके बाद हम किसी और स्टॉक पे मूव करते हैं। हम बात करते हैं गेल की। जैसा कि आप जानते हैं, गेल एक अच्छा स्टॉक है। यह एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अंदर अगर हम बात करें इस सिग्नल की, जो कि EMA का सिग्नल है, हमें कहाँ पे मिला था? आप जानते हैं, हमें यह सिग्नल हमेशा बॉटम पे खोजने होते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर हम बॉटम को पकड़ें तो बॉटम की बात करते हैं, हम अबेंडेंट कैंडल की बात कर लेते हैं, जो कि यह वाली अबेंडेंट कैंडल है। अबेंडेंट कैंडल के बाद में देखते हैं कि अबेंडेंट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली है या नहीं। यहाँ पे हमें ये अबेंडेंट कैंडल दिख रही है। इसके बाद में इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। ये तीनों हमारी अबेंडेंट कैंडल है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड बना लेते हैं। और हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा दोस्तों, हमेशा लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर इन्वेस्टिंग का है। इन्वेस्टमेंट के सिग्नल हम देखेंगे तो सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ बाइंग सिग्नल ही देखेंगे। बाइंग सिग्नल अगर हमें मिलता है, वहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। यहाँ पे चेक कीजिए आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए। आपको अपना स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जहां भी 4 का आ जाता है, वहां पे हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कीजिए, हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एग्जैक्टली यहाँ पे 4 का निकल के आ चुका है। मैं आपको इस ट्रेड को दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड है दोस्तों और इसने आने में काफी टाइम लिया है। आप चेक कीजिए, यह ट्रेड हमें मिलता है 7 अप्रैल 2020 को। अगर 7 अप्रैल 2020 को हम इसके अंदर एंट्री बना लेते तो इसके अंदर हमें 104% की तेजी देखने को मिली है। हमारे स्टॉक का प्राइस 104% इंक्रीज हुआ है। हमें यह टारगेट मिला है जुलाई 2023 में। करीब करीब इसने 3 साल का टाइम लिया है, और लेकिन हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था वह डबल हो चुका है। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 15 पॉइंट का, टारगेट आपका 60 पॉइंट का है। और गेल जैसे स्टॉक के अंदर यह आम बात नहीं है दोस्तों, इतना बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे मिल चुका है। और सिर्फ आपने फॉलो किया है EMA 5 को, EMA 5 के बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी और आपका यह टारगेट निकल के आ चुका है। यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जिट मिल चुका है। यहाँ पे एग्जिट आपको अपने हिसाब से देखना होगा, क्योंकि यह एक मैनुअल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर ऑटोमेटिक का नामो निशान नहीं है। आप इसके अंदर मैनुअल ट्रेड बनाएंगे और मैनुअली इसको काटेंगे। आपको ट्रेड कहाँ लेनी है और क्या देख के लेनी है, यह हमने यहाँ पे बता दिया है। लेकिन आपको एग्जिट कहाँ करना है, एग्जिट आपको करना है जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4 का मिलता है, वहाँ पे आपको एग्जिट भी करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ से स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे अपना 75% आप बुक कर लीजिए और आगे आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपका उस स्टॉक के बारे में व्यू कैसा है। दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। अब बात कर लेते हैं किसी और स्टॉक की। इन्फी के अंदर ऐसा कोई सिग्नल हमें मिलता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं हमें, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक कैंडल्स का क्लोजिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी सारी अबेंडेंट कैंडल्स हैं। अबेंडेंट कैंडल के ऊपर जैसे ही कोई क्लोजिंग मिलता है, हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। जहाँ भी हमें अबेंडेंट कैंडल, यहाँ पे देखिए ये अबेंडेंट कैंडल हमें यहाँ पे मिला है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ चुकी है, जो कि इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। यहां पे हम लॉन्ग का ट्रेड बना लेते हैं और यहां पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहां पे स्टॉप लॉस आया हमारा 131.80 का। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का स्टॉप लॉस आता है, वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस सिर्फ 100 पॉइंट का रखते हैं। यह आपको पहले ही स्ट्रेटेजी में आपको बता चुका हूं कि हमारा जहां भी 100 से ऊपर का स्टॉप लॉस आएगा, वहां पे स्टॉप लॉस हमारा घट के 100 पॉइंट का रह जाता है। 100 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस हमारा इस स्ट्रेटजी में नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है आपके टारगेट की। तो टारगेट दोस्तों यहाँ पे हमारा बनता है 398 पॉइंट्स का, और
स्टॉप लॉस बनता है हमारा सिर्फ 100 पॉइंट्स का। अगर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हैं तो टारगेट बनता है 398 पॉइंट्स का। तो हमारा यह टारगेट आता है जब स्टॉक की वैल्यू 1714.85 हो जाती है। जब स्टॉक की प्राइस इतनी हो जाएगी वहां पे हमें एग्जिट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक इन्वेस्टमेंट का ट्रेड था, इसके ऊपर आपको एग्जिट अभी मिला नहीं है। अगर आपको 1714 के आसपास या 1720 तक आपको एग्जिट मिलता है तब आप इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक ट्रेड और देख लेते हैं इसी के अंदर। जैसा कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वे सिग्नल देखने हैं जो आपको बॉटम पे मिले हैं। यहां पे चेक कीजिए, ये रेड कलर की कैंडल हमारी बैंड एंड कैंडल है। इसके बाद में जैसे ही एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसका हाई कट किया है वहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 146 पॉइंट का निकल के आ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का। अगर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम रखते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा निकल के आता है 4 का। तो दोस्तों यहां भी हमें 400 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका है इन्फी के अंदर। और यह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसने 7 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक, अप्रैल से लेके अगस्त तक 5 महीने के अंदर इसने टारगेट हमें दे दिया है। तो दोस्तों 5 महीने के अंदर इसने 400 पॉइंट का टारगेट दिया है जो कि निकल के आता है 62.72 का, जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो दोस्तों इस तरीके के टारगेट हमें अगर देखने हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ट्रेड कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को निखारते रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।